कमलनाथ कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं जीतू पटवारी और उनके साथ हैं पीसी शर्मा। एक स्वतंत्र दिमाग से मॉडिफाई करना पड़ेगा, पुशिंग करनी पड़ेगी, तब बढ़ेगा। एक जो स्वास्थ्य संवाद स्तर पर 9 शासकीय और 11 अशासकीय मंत्रिमंडल में जो मानसिक एक मानवता का भाव होता है, जिस पर राज्य शासन ने निर्णय लिया कि इनकी भी एक जो मानसिक रूप से रोगी जिस परिवार में होता है उसको कितनी दर्द होना सहन करना पड़ता है, उसके लिए आवश्यकता क्या क्या होती है, इसको सबको और ज्यादा मानवीय आधार को पूर्णता दी गई है। और हम इसमें एक आयोग बना है, संभाग प्राधिकरण, प्राधिकरण, जिसमें 9 शासकीय और 11 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति होगी और इस संदर्भ में जितनी भी मानसिक रोगी होंगे, संदर्भ में जितनी भी और नवाचार के साथ हम सुविधाएं शासन भी दें, सहयोग भी दें और उनको सुधारने के लिए परिवार की सहायता भी करें, इन सब विधाओं को जितनी जिस आती है उनको कैसे डेवलप करें, हॉस्पिटल बनाए, उनके स्पेशल हॉस्पिटल बनाए, उनको रात दिन रखने के लिए क्या करें, ये सब विधाएं संभाग नहीं, ये राज्य स्तर पे होगा, प्राधिकरण राज्य स्तर पे होगा और जो संभाग स्तर पे होगा वो रिव्यू बोर्ड कहलाएगा, रिव्यू बोर्ड और इसमें 9 शासकीय और 11 अशासकीय रहेंगे और उसमें 5 सदस्य रहेंगे रिव्यू बोर्ड में। ये एक बहुत नई वो हो रहा है, पहली बार, और मानसिक रोगियों को पूरा इलाज मिले, उनकी कैसे व्यवस्था की जाए, ये सब इस बात के लिए किया गया, पहली बार देश में पहला इस तरह का कोई प्राणी है ये। इसके बाद एक अपूर्व नायक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए 35 दिन देर से आवेदन करने के विलंब को आज उसका अनुकंपा नियुक्ति दे दी गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का जो स्वैच्छिक अनुदान है उसको डबल कर दिया गया है, मंत्रियों के अनुरूप मंत्रियों के अनुरूप जो पहले था वो डबल कर दिया विधानसभा नेता प्रतिपक्ष पहले मैं बोल रहा हूँ पहले नेता प्रतिपक्ष का डबल कर दिया गया है जो पहले था उससे, और विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का भी बढ़ा दिया है, सबके साथ सबके जो थे वो डबल कर दिए, डबल है ना, पहले कितना था, अरे आपको जानकारी होनी चाहिए पहले कितना था, 50 से 1 और 1 से 2, 50 से 1 डबल एड या हो गया। इसके बाद है ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इंदौर, क्या बताइए, ये सौगात फिर से कमलनाथ जी रही है। देखो बात तो इतनी है कि इंदौर को लेकर हमारी मध्य प्रदेश का विजन एक तरह से इंदौर को, इंदौर के लोगों का मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की पूरी सरकार का इंदौर के लिए बहुत आदेश है। अभी कमलनाथ जी मेरी विधानसभा में गए थे जब 1300 करोड़ रुपए के उन्होंने कार्यों का भूमि पूजन किया, एक और सोना इंदौर शहर को 237 करोड़ रुपए की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 970 पद भी इसमें स्वीकृत किए, और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत सपना था कि हमारे इंदौर शहर को ये सौगात मिले, क्योंकि जो अभी हॉस्पिटल है उन पर बहुत हेवी बर्डन है, आसपास पूरे संभाग से लेकर पश्चिम में पूरा मध्य प्रदेश के लोग इंदौर आते हैं, तो एक ये मैं मानता हूँ कि छिंदवाड़ा के बाद इतना बड़ा जो इंदौर को सौगात मिली, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद और इंदौर शहर की जनता की ओर से आप सबको भी। इंदौर शहर में बनेगा कि राव में बनेगा? इंदौर शहर मेरा पूरा शहर है, राव भी तो इंदौर में है, अगर राव में बना तो राव भी इंदौर में है, सब सब हो जाएगा। चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर और इंदौर में एक और मामला आ गया है, ये स्टेट एलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट
इंदौर बताइए क्या है? इसमें हमारे जो पहले से चलते हुए चिकित्सा महाविद्यालय है, इसमें एक और कंपोनेंट चौपर प्रयुक्त पदों के सृजन, जबलपुर में 59 पदों का नया सृजन हमारे इंदौर शहर में। इसमें स्टेट एलायंस हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट इंदौर, इसमें जैसे फिजियोथेरेपी के कोर्स है, ऐसे जो डिग्री के बाहर के जितने कोर्स रहते हैं पैरामेडिकल के, उनको लेकर एक ये सुविधा दी गई है, जिससे कि उस क्षेत्र के बच्चों को ज्यादा अवसर भी मिले और इंदौर शहर के आसपास इसकी मांग भी ज्यादा। शहरों के थेरेपी का जहाँ तक सवाल है, स्पोर्ट्स में भी लगते हैं आजकल, पहले तो खेलता था लग गई तो भी पट्टी मारी चल देता था, अब थेरेपी कराते हैं खेल कूद में, तो ये उस हिसाब से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम है स्टेट एलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट, इसमें थेरेपी और दूसरी चीजें सब होगी। इसके अलावा एक बहुत नई चीज ये है, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्य प्रदेश में हाइब्रिड नवकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति लागू करने के लिए आज प्रस्ताव पारित हो गया है, उसका अनुमोदन हो गया है। और ये जो है हाइब्रिड नवकरणीय ऊर्जा, इसमें जैसे सोलर और विंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे दिन में उस सोलर का उपयोग हो सकता है जब सन रहता है और जनरेशन हो सकता है, और रात में विंड से वो जनरेशन हो सकता है, और ये बिजली एक ही जो स्ट्रक्चर है बिजली का उससे उसका उपयोग हो सकता है। और एक नई विधा आई है एनर्जी स्टोर, अभी तक एनर्जी स्टोर नहीं होती थी, हमेशा कहा जो आ गई वो कंज्यूम हो गई, इसको स्टोर करने का नीति जो है आज मंत्रिमंडल ने, कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल ने उनकी अध्यक्षता में इसको पारित कर दिया है, अब बिजली स्टोर भी हो सकेगी, एनर्जी स्टोर भी हो सकेगी, और जहां उसकी आवश्यकता है उस समय उसका उपयोग हो सकेगा, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना, जीरो से लेकर कितनी भी एनर्जी स्टोर का वो कोई भी इक्विपमेंट लगा सकता है। ये स्टोर करना मंत्री जी, ये एनर्जी को स्टोर करने की एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट कितनी? कोई लिमिट नहीं है, जीरो से अनलिमिटेड। मेरा ये कहना है कि पहले विचार इस बात का कि विंड लगते थे, जमीनों का उपयोग होता था, वही जमीन पे आप सोलर की भी उसके साथ प्रोसेस हो, और वही तार, वही ट्रांसमिशन और वही व्यवस्था कम लागत में कैसे ज्यादा ऊर्जा पैदा हो, इसकी एक प्रोसेस को नया रूप दिया गया। और स्टोरेज को लेकर ये बात बिल्कुल सही है, आपका प्रश्न कोई गलत नहीं है कि इसकी एक सीमा बनाई गई थी बरेली के गोदवा।